आर्टी किचन में आप सभी का स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का हेल्दी नाश्ता। ये बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके लिए यहाँ मैंने 4 ब्रेड ली हैं, ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड ली है यहाँ मैंने, और ये देशी घी लिया है थोड़ा सा इनको सेकने के लिए, और ये पानी है, और एक कटोरी यहाँ बेसन लेना है। मैंने एक प्याज को चॉप कर लिया है, एक बड़ा टमाटर जिसे चॉप कर लेना है, और एक शिमला मिर्च। ये तीनों सब्जी जरूरी है इसमें डालनी। और ये मैंने धनिया लिया है, ये मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, चिली फ्लेक्स, काला नमक, धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच चाट मसाला, ये सफेद नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक किनारे वाली कटोरी ली है, इसकी सहायता से मैं ब्रेड को कट कर लूंगी, तो इस वजह से ये राउंड शेप में आ जाएगी। आप चाहें तो इन्हें चकोर भी रख सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही सभी ब्रेड्स को कट कर लिया है, और अब मैं बनाऊंगी इसका घोल। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार डालना है, और एक एक करके सभी मसाले इसमें ऐड करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सभी मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिला लेंगे मसालों को। जैसे ही ये सब सूखे मसाले आपस में मिल जाते हैं, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। इसको ज्यादा पतला नहीं करना है, इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। ताकि ये ब्रेड पे अच्छे से चिपक जाए, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके बढ़ा रही हूँ इसे। ये देखिए इतना गाढ़ा घोल रखना है इसका। अब घोल तैयार होने के बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले बताई थी सभी। ये नाश्ता बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और बहुत कम समय में रेडी हो जाता है, तो इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। सभी मसाले और सभी सब्जियों को आपस में मिला लेंगे। आप चाहें तो सब्जियां इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर है, और अपने मन से जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती हो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें छोटा छोटा ही कट करें। तो ये देखिए घोल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि ये कैसे लगाना है। एक चम्मच से लेके स्प्रेड करना है आपको, इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से फैला के लगाना है। ये देखिए अच्छे से मैंने लगा लिया है घोल। इसी प्रकार मैं सभी ब्रेड को ऐसे ही लगा लूंगी। इसमें ज्यादा मोटा लेयर ना लगाएं, वरना वो ये सिकेगी नहीं सही से। अभी मैंने नीचे नहीं लगाया है, अभी एक ही साइड लगा रही हूं मैं। तो ये देखिए मैंने तवे को गर्म कर लिया है, हल्का सा मैं इस पे देशी घी लगा रही हूँ। इनको डीप फ्राई नहीं करना है। अब मैंने तवे पे ऐसे उल्टा करके ही डालना है, जिस तरफ से आपने घोल लगाया था उसी तरफ से इसको रखना है। तो एक साथ ये दो आ जाएंगे इसमें तवे पर। मैंने इसको हल्के हल्के प्रेस करना है इसे, ताकि वो सारी सब्जियां इसमें चिपक जाएं। और फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, हाई बिल्कुल ना करें। और अब मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही घोल लगा दूंगी।
चारों तरफ से अच्छे से घोल लगा लेना है इसका भी। ये देखिए मैं इसको ऐसे हल्के हल्के हिला के, अब ये नीचे से छूट चुका है, अब मैं इसको पलट दूंगी। ये जब कच्चा होगा तो ये बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये चिपका रहेगा तवे से, और जैसे ही सिकने लगेगा ये दूर हो जाएगा। तो मैं हल्का सा इस पे घी और डाल के इसको भी मैं पलट दूंगी और मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से दबा दबा कर सेकना है ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक जाए। थोड़ा थोड़ा घी और लगा दूंगी, घी से क्या है ये काफी अच्छा सिक जाता है, वरना ये जलने लगेगा अगर हम घी नहीं लगाएंगे इस पर। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से अच्छे से पलट पलट कर ही सेका है इसे। एक तरफ से मतलब ज्यादा देर तक पलट कर सेकना है, क्योंकि अगर हम एक तरफ ही रखा रहेंगे तो ये जल जाएगा, तो इसीलिए दबा दबा के अच्छे से सेकना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।